This is Real FM. Here you are. Oh, फिर यही कोई पराठे पराठे नहीं मिल सकते खाने को? अनिल प्लीज डोंट इवन जोक अबाउट दिस. अभी अभी तुम्हारा बाईपास हुआ है. ठीक है लेकिन अगर बीमारों वाला खाना खाना ही है तो उसके साथ सिगरेट पीने की तो इजाजत होनी चाहिए ना. मैं देखो रेडियो स्टेशन चलाना बहुत स्ट्रेस वाला काम है. सिगरेट अलाउड है डैड पर ये वाली. ये क्या है? ये तो सेफ है, इसका क्या फायदा? आपके बेटे का सजेशन है. क्या निखिल से बात हुई तेरी? हाँ, कल स्काइप पे. अब डॉक्टर निखिल ने लंदन से रेकमेंड किया है तो डैड तो मानेंगे. चलो चलो आई एम ऑफ. बाय बाय डैड. ये क्या कर रहे हैं आप? ये मैंने सोचा ये वेस्ट हो जाएगा ना तो मैं खा लेता हूँ ना. थैंक यू. इतना टाइम क्यों लग गया? एग्जाम पे जाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है तुझे. शारा चल अब शुरू कर. तुझे तो पता है सोशल साइकोलॉजी मेरी बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती. स्ट्रेस मैनेजमेंट का चैप्टर मैंने स्किप किया. क्यों? उस चैप्टर की सबसे ज्यादा जरूरत है तुझे. बता. हाँ नाज, शाम का प्लान ऑन है ना? हाँ हाँ ऑन है. इनफैक्ट टेस्ट के बाद मैं डायरेक्टली तेरे स्टूडियो आ जाऊंगी और वहीं पे चेंज करूंगी. आई एम कैरिंग माय क्लोथ. कूल. मौसी जी आ रही है? यू कमिंग? नहीं. अरे यार ठीक है चल मैं बाद में बात करती हूँ, अभी जरा ट्यूशन ऑन है. ओके कूल. यू आर लिसनिंग टू रियल एफएम 97.5. स्टे ट्यून्ड क्योंकि बहुत जल्द एक एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट अनाउंस होने वाला है और अगर आप जीते तो आप किसी खास पर्सन को डिनर डेट पे ले जा सकते हैं. डेट से याद आया, कल 15th अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे. तो आइए आजादी की खुशी में बबली को बदमाश करते हैं, शीला को जवान करते हैं और मुन्नी को बदनाम करते हैं. मिर्ज़ा तुम्हें पता है कि इन्वेस्टर्स को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही है. The main point is that we are just not generating good enough content. Hamare listeners din par din kam hote ja rahe hain. And I have a feeling ki ye ghise pite programming se hum unke jaane ko rok nahi sakte. Tomorrow is a very important day. Kal hamara jo lineup hoga, hamari jo presentation hogi, uske basis pe hamare investors decide karenge ki wo aage jaake hame support karenge ya nahi. Sir, kal ka din ek aur wajah se bhi important hai. Matlab? Matlab hamare appraisals 5 mahine pehle hue the. इंक्रीमेंट्स की बात तो हुई थी बट वी गॉट नथिंग. आई नो दैट लेकिन तुम भी तो जानते हो कि यहाँ क्या. दैट्स नॉट रियली आवर प्रॉब्लम सर. अगर आपने आज हमारी इंक्रीमेंट सैंक्शन नहीं की तो कल काम पे कोई नहीं आएगा. व्हाट? यस सर, यू हर्ड राइट. देखो इसे हम आराम से डिस्कस कर सकते हैं. टुमारो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे. इतना ही इंपॉर्टेंट दिन है तो इस प्रॉब्लम को फिक्स कीजिए सर. मेरे साथ स्टेशन के बाकी लोग भी हैं. प्लीज डोंट मेक अस डू दिस. Welcome back guys, this is Sameer. और रोज की तरह अगले एक घंटे के लिए आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा. पर मुझे पता है कि आपको बातें कम और म्यूजिक ज्यादा पसंद है तो बिना कुछ कहे we'll go straight to the next song. देखिए ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास पैसा है जो मैं आप लोगों को दे नहीं रहा हूं. दुबे जी आप ही इनको बताइए ना कि हमारी फाइनेंशियल हालत कितनी खस्ता है. आप इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं. आप जानते हैं कि मैंने 3 महीने से अपनी सैलरी नहीं ली है. दैट्स नॉट आवर प्रॉब्लम. आपके लॉसेस हम क्यों शेयर करें? तो मैं ये कहां कब कह रहा हूं. ना ही मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं. मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इस मुश्किल वक्त से निकलने के लिए आप मुझे थोड़ा सा वक्त और दीजिए और मुझ पर भरोसा रखिए. सर आई एम रियली सॉरी टू ब्रिंग दिस अप पर आपका बेटा लंदन में पढ़ाई कर रहा है. आपकी बिल्डिंग सोसाइटी का मेंटेनेंस बिल यहाँ पे कुछ लोगों की सैलरी से ज्यादा है और आप आज भी अपनी होंडा सिटी में काम पे आते हैं. अब भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो गया है. चलिए a really cool office, yeah, nuts. It has so much character. But rent kafi hoga na? Wo to hai. I had to do this, yeah. Ghar pe koi kaam nahi hota. 100 things keep playing happening.
Anyway, I do love this full freedom. How is this looking? Nice. Very nice. Can you hurry up now? But I'm not sure about this color. Mm. Hey, music kam kar, papa ka phone hai. Haan, papa. Haan. Haan. 10 minute mein. Nikal gayi hoon. Okay, bye. Jana hai. Why can't you say no? एक बार सिर्फ एक बार कहने की तो कोशिश कर तू कुछ गलत नहीं कर रही है सलोनी I'll tell you what to do. No, I'll tell you what to do. बैग उठा और घर पे जा उसे जाने दे यार उसके घर का सिस्टम अलग है Fine. How is this looking? No, ना सर जी चाय लाओ हाँ दाम ले आओ ठीक है दाम ले जी सर एक सिगरेट पिला दो असली सर जी आपको मैं जानता हूं प्लीज दमले आओ समीर बैठो बेटा ये सब क्या हो रहा है हुँ? इन सब के साथ इतने सालों तक काम करके हम इस स्टेशन को यहां तक ले आ पाए देखो I know कि ये जरा सा difficult time है, लेकिन now more than ever I need their support. और मेहरजाद ने न जाने क्या पट्टी पढ़ा दी है इन लोगों को. कोशिश करके देखो. समीर? Actually sir, ये मेरी fight तो नहीं है. मैं तो वैसे भी quit कर रहा हूँ. What? Boss, I love working here. I really do. पर मुझे पैसों की सख्त जरूरत है और वो जरूरत यहाँ पूरी नहीं होती फैमिली में अकेला लड़का हूँ बहुत प्रेशर है एक ऑफर आया है सर विद अ बेटर पे सिटी वाइड एफएम से आई एम जॉइनिंग देम गुड लक बेटा You're fine. Beta, it's all over. Mom, why did he say that? Jia, Jia, wait! Jia, listen to me. मैं जानती हूँ कि तो गुस्से में है लेकिन रात के 2 बज रहे हैं समीर एंड यू आर नॉट अ कपल एनीमोर तो उसके घर ऐसे अनअनाउंस नहीं जा सकते अगर वो अनअनाउंस डैड के साथ ऐसी हरकत कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती What the hell do you think you are you ungrateful bastard Yeah can you please calm down बेटा मानते थे वो तुम्हें He gave you a career damn it एक कॉलेज फेस्टिवल के मामूली कंपेयर थे तुम पर डैड को तुम में पोटेंशियल नजर आया He trusted you I trusted you और आज जब उन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ी यू लेफ्ट हिम व्हाट यू हैव नथिंग टू से रिया लिसन वी हैव बेटर थिंग्स टू वरी अबाउट लेट्स गो अब चलो मेरे साथ वी विल फिगर समथिंग रिया इट्स नॉट दैट सिंपल नो यू नो व्हाट इट इज दैट सिंपल समीर यू आर एन Riya, I know. Look, I know this isn't easy for you.
पर अब कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। या चले 7 बजे ब्रॉडकास्ट शुरू होता है, हमारे पास सिर्फ 5 ही घंटे सब फिगर आउट करने के लिए। What? ओके बेब लिसन, मैं इंटरनेट पे जाके यहाँ का सारा सिस्टम फिगर आउट कर लेती हूँ। ओके हाँ मुझे तेरी बहुत जरूरत है। मैं क्या कर रही हूँ रिया? आई एम रियली सॉरी, बट आई डोंट थिंक ये मुझसे होने वाला है। ठीक है, घर की चाबी है या डर के मारे वो लाना भूल गई? तो अब तो तू वापस जा भी नहीं सकती है। अब यहाँ रही या मेरे साथ चली, गलती तो हो ही गई है और बैंड तो बजने ही वाली है। व्हाट डू यू से? Okay, focus, हाँ? ये स्विच ऊपर करना है। After you see me say 5 4 3 2 1 go all से इस माइक में बात करना है, इसको ऊपर करना है। Okay, bye. You're gonna do great, okay? One, go. Good morning. हमारे सभी लिसनर्स को रियल FM 97.5 की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं हूं रिया और आज की स्पेशल सुबह मैं ही बजाऊंगी आपकी आपके लिए कुछ खास गाने स्वतंत्र इंडिपेंडेंस डे। ये रहा अगला गाना। अपनी आजादी को हम हर किस मिटा सकते नहीं। I can't hear you. अपना माइक ऑन करो। माइक माइक ऑफ कर। आवाज आ रही है? या ओके, ये भी समझ में आ गया। तीसरा फेडर ऊपर करना। नाउ से समथिंग। हेलो हेलो चेक। हेलो हेलो कूल। अब बिना पैनिक किए अगले सेगमेंट पे फोकस करो। ओके यार, सब आज ये जरूरत से ज्यादा बात करते हैं, यहाँ तो मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। रिया तू सिर्फ इतना बोल कि अगला गाना फलाना फलाना फिल्म से और अगला गाना फलाना फलाना फिल्म से। एक मिनट, किस फिल्म से? लीडर, दिलीप कुमार, रफी साहब का बहुत फेमस गाना है। चलो नी तू ही कर ले यार। शट अप। अच्छा नताशा, इस गाने के बाद एक एड डालते हैं और फिर एक और गाना। ओके आई न्यू आई फॉरगॉट समथिंग। एड्स। व्हाट? आज का कोई शेड्यूल होगा ना? होना तो चाहिए। ये गाना था लीडर फिल्म से, दिलीप कुमार की आवाज में मोहम्मद रफी पे फिल्माया गया। 15 अगस्त की सुबह ये है आपके लिए अगला देशभक्ति का गाना। मेरे वतन के लोग जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। फैक्ट ये है कि स्टेशन सिर्फ चलाना नहीं है, बचाना भी तो है। देखो ये पेट्रियाटिक गाने बहुत ब्यूटीफुल तो है, मगर हर चैनल पे यही बजने वाला है।
I think we have to do something different, girls. Something radical. ये torture है, guys. ये schedule torture है. See, patriotic or not, Bollywood solution नहीं है. तो कुछ original try करते हैं. तू गाएगी? Yeah, I'm serious. So am I. ना तुझे पता है ना ये मनी वन सिंगर बनना चाहती है? Girls, can you just focus, please? हाँ, okay, sorry. और काफी गाने तो नहीं मिलेंगे ना हमें? नहीं नहीं, contacts तो मिल जाएंगे. पर हमारा इंडिपेंडेंस का थीम जो है वो मार खा जाएगा. नहीं, not at all. In fact, why don't that's it. हम इंडिया के हर स्टेट से एक गाना प्ले करेंगे यहाँ लाइव. What do you mean 26 songs? Are you mad? 28 states. Listen, I hope you're not counting Bhutan in this, हाँ सलोनी. Bhutan? तू सिर्फ ब्लॉग्स पढ़ती है ना? कभी न्यूज़पेपर भी पढ़ा है तूने? One second, स्कूल में साफ साफ पढ़ाया गया. काफी टाइम हो गया ना. Okay, let's just count this, okay? महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली. दिल्ली is a union territory. What? And Chhattisgarh happened and Jharkhand. What the hell is Jharkhand now? MSD. Shut up, you get LSD there. Not LSD. MSD, Mahinder Singh Bhupesh. Sorry, okay. Eight minute. Look, अगर हम ये pull off कर ले तो mind blowing होगा. I agree with you. I totally agree with you. But जो भी करना है हमें बहुत जल्दी करना है. गाना खत्म हो रहा है. वो गाना था फिल्म हकीकत से. बहुत moving गीत है ना. और जैसे कि आज दोपहर हर टीवी चैनल आपको गांधी फिल्म दिखाएगा, वैसे ही हर रेडियो स्टेशन आपको यही गाना प्ले करके सुनाएगा. इसलिए रियल एफएम ने आपके लिए कुछ अलग प्लान किया है. She's gonna announce it. जी हाँ. तो आज 8 AM onwards हम इंडिया के हर स्टेट से एक गाना प्ले करेंगे और ये गाने यहीं परफॉर्म होंगे लाइव यही स्टूडियो से. हर घंटे दो स्टेट के गाने. जी हाँ, आपके स्टेट से भी. इसलिए सुनते रहिए रियल एफएम. जिन लोगों से मैंने मांगे थे कॉन्टैक्ट्स वो तो अभी तक उठे भी नहीं होंगे. ये लड़की बजाएगी रेडियो स्टेशन. नागालैंड, वहां से सिंगर कैसे मिलेगा? आई डोंट इवन नो एनी नागालैंडियंस. एंड ये क्या है, ये त्रिपुरा क्या होता है? सी, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, पंजाब, दीज शुड बी इजी टू फाइंड ना. बट शुरू कहां से करें? एंड व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द कंटेंट? पूरे दिन हमें शहर को कैसे एंटरटेन करेंगे गाइस? सी, आई नो वन गर्ल फ्रॉम कश्मीर, उसका भाई गाता है. मैं भी निखिल से पूछती हूँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाना चाहिए. आई होप. ये उड़ीसा क्या है, वहाँ पे लोग गाते भी हैं क्या? लिसन, ये आधे से ज्यादा स्टेट्स तो मैंने टीवी पे भी नहीं देखे. लेट मी टेल यू, टफ तो होगा पर अब कर भी क्या सकते हैं ना. ओके, वन सेकेंड, लेट मी टेल यू, सुबह सुबह रेडियो कोई नहीं सुनता, किसी ने नहीं सुना होगा ये. जस्ट चल गए. Thank you for calling Real FM. बहुत बढ़िया आइडिया स्टेट्स वाला. मैं राजस्थान के गाने का वेट करूंगा. कोई शेड्यूल है क्या स्टेट्स का? जी अभी तो नहीं है. नो प्रॉब्लम बेटे, कीप अप द गुड वर्क. थैंक यू. सुना लोगों ने, राजस्थान के गाने का तो वेट भी हो रहा है. स्टेट से किसी सिंगर को जानते हैं जो इस प्लान में शामिल होना चाहेगा, कॉल इज ऑन 269-75-975. आप सुन रहे हैं 97.5 रिया के साथ, ये रहा अगला गाना. कश्मीर इज हियर. ग्रेट. नेक्स्ट स्टेट को आधे घंटे में प्रेजेंट करना है. आई होप अनाउंसमेंट से कुछ फायदा होगा. लिसन, हम फेसबुक पे क्यों नहीं पोस्ट करते या ट्वीट भी कर सकते हैं. कैन आई टेल यू, माय फ्रेंड हुसैन, उसके इतने फॉलोअर्स हैं. आई थिंक ही बायस देम, बट एनीवे मैं उसे कहती हूँ ट्वीट कर देगा. साउंड्स गुड. ओके, पर बाकी का कंटेंट? और कोई बोलने वाला भी चाहिए? हम लोगों से क्यों नहीं जाके पूछते कि लाइक व्हाट आर देयर व्यूज ऑन इंडिपेंडेंस डे? हाँ, नॉट बैड, पर कुछ नया अप्रोच. नॉट समथिंग लाइक व्हाट इंडिपेंडेंस मींस, बट समथिंग लाइक आप देश के लिए क्या करना चाहते हो या आज के दिन आप क्या रूल्स होना चाहोगे. समथिंग रेडिकल, यू नो व्हाट आई मीन? ऑफ कोर्स. हाँ, मगर ये करेगा कौन? हम तीन तो यहाँ फंसे हुए हैं ना. What about Akanksha? Oh yeah, perfect. क्या हुआ? Stress है हमारे बीच. तुम दोनों बहनों के बीच कब stress नहीं होता यार? But I doubt इस stress से बढ़कर कुछ हो सकता है. She's studying journalism, Nats. She's perfect for this. Okay, whatever, fine. मैं बात करती हूँ उसे. Kashmir is here. बंद करो. स्वतंत्रता दिवस है, पूरा देश छुट्टी मना रहा. तो अरे तो आप भी छुट्टी मनाओ. जूनियर दबंग, जरा चश्मा हटाओ ताकि हम लापड़ मारे तो तुम्हारे जो है प्रॉपर्टी डैमेज ना. वेलकम बैक लिसनर्स. तो अब शुरू करते हैं हमारा इंडिपेंडेंस डे का सेगमेंट, जहां इंडिया के हर स्टेट से एक गीत सुनने का आपको मौका मिलेगा. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉप. वाकई इंडिया के टॉप से कश्मीर का एक गाना. हमारे स्टूडियो में ब्रिज कॉल और उनके अकंपनिस्ट गिटार पे राजा हजारिका और पर्कशनिस्ट जागरण साइकिया. ब्रिज जी ने हमें बताया कि ये गाना एक प्रेयर है. व्हाट बेटर वे टू बिगिन?
गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवा महेश्वरा गुरुदेव जगत सर्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आसै शरण कर्तम दयाओं श्री गणेशाय नमः। आसै शरण कर्तम दयाओं श्री गणेशाय नमः। बेटा चाय। नामले जी आप आने में थोड़ी देर हो गई। मुझे लगा आप भी बाकी सबकी तरह छोड़ के चले गए। हाँ मैं भी लेकिन कर नहीं पाया। वो क्या है ना कि आपके पिताजी जब जवान थे तब से मैं उनके साथ काम करता हूँ और आज वो एक ही है जिन्होंने मेरी जवानी देखी है। गलती हो गई सुधारने आया हूँ। नामले जी थैंक यू। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। रिद्धि जी के बेहतरीन गाने के बाद हमारे फोन लगातार बज रहे हैं। लेट्स सी आपकी क्या राय है। वो एफएम वाला रेडियो स्टेशन यही है। हाँ यही है। आप अजय देसाई कहिए जी। रिया से मिलना था, उसके भाई निखिल ने मुझे भेजा। वो इंग्लैंड वाले ना जी, लेकिन मैं दादर से हूँ। अपने अपनी किस्मत होती है बेटा। जाओ रिया अंदर है। एक्सक्यूज मी रिया। या हाय अजय देसाई। गुजराती सिंगर सुपर। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। I'm so sorry, आज दुबे जी तो आए नहीं है, तो अकाउंट देखने के लिए शायद आप बाद में। मुझे आपके अकाउंट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आपके भाई निखिल ने भेजा। ओह, I'm so sorry। मैं दोस्त हूँ उसका, वो कह रहा था आप कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट ढूंढ रही है, तो मैं आ गया। Wait, I don't understand। आप CA हो और रेडियो पे मतलब? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लेकिन साइड पे स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ, तो मैंने सोचा रेडियो पे भी। एक जोक सुनाओ। अपना कोई कॉमेडी रूटीन दिखाओ। ओ, ओ, एक बार रावण ने सोचा आज पार्टी करता हूँ, तो वो शहर के सबसे बड़े डिस्को देखने गया, लेकिन एंट्री लेने से पहले ही वो बेहोश हो गया। बताओ क्यों? Because the entry was 3000 rupees per head. अगली सीट की क्या खबर है? Finding out. Okay, let's try this. Yawn. Come. अभी? Yeah, now. Na, na. Come. मुंबई में लेटली स्टैंड अप कॉमेडी बहुत पॉपुलर है ना? अगले स्टेट का गाना थोड़ी देर में। फिलहाल अपकमिंग स्टैंड अप कॉमेडियन गुजरात से अजय देसाई। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज बहुत स्ट्रेस्ड हूं क्योंकि मैंने अपने एक दोस्त को 50,000 रुपए दिए उधार प्लास्टिक सर्जरी करवाने, अब उसे पहचान नहीं पा रहा हूं। एक लड़की ने मुझसे कहा संडे को घर आना, घर पे कोई नहीं होगा। मैं संडे को घर गया, घर पे कोई नहीं था। इट्स फनी ना। मेरी एक जस्ट मैरिड फ्रेंड मिली, उसने कहा मेरे बहुत झगड़े हो रहे। मैंने कहा झगड़े तो होते हैं। उसने कहा दैट्स ओके बट लाश का क्या करूं। Hey Akanksha. Hi. Thank you so much for doing this. Are not at all. Acha, this is my friend Deeptosh. He's starting to be a sound recordist. So maine socha saath mein rahega to help mil jayegi. Yeah, of course. Aur suno, jab tum logo se baat karogi, try and catch interesting people aur content thoda fresh rakhna. Ha, Saloni ne kuch examples diye the, so I think we're sorted. Great. Aur sabse zaruri baat ki try and be comfortable with them. So tum thoda confident rehna, okay? Got it. Inka live feed transmit kaise karna hai main jaake figure out karti hu। आओ बेटा मैं दिखा दूँ। जी।
मच बेटर. सॉरी वो बंदियों में थोड़ी खड़ूस वाइब आ रही थी. या सो प्रिटी आर लुकिंग नाउ. अब तो हाफ द बैटल इज वन है ना. और इंडिया पे कॉन्सेंट्रेट करना, मुंबई पे नहीं. वी नीड टू कैप्चर कि इस शहर में पूरा इंडिया रहता है. ओके कूल, दैट्स अ नाइस थॉट. थैंक्स. ओह आई थिंक गोवा इज हियर. हेलो. दरियाच्या लारांनी पेवपाचे सगळ्या इष्टांक मेवपाचे. दरियाच्या लारांनी पेवपाचे सगळ्या इष्टांक मेवपाचे. यो यो सोबत माझ्या आता मार्या मजा गोय मजे मोगाचे. नीरो आणि फेनी पिवपाची ताजे ताजे नुसते खाऊपाचे. नीरो आणि फेनी पिवपाची. एक्चुअली वो पूरा नहीं सुना बट वॉट एवर आई हर्ड was not bad. Thanks. मैं अगले वाले में बेटर करूंगा. मेरे चाचा की जनरल स्टोर पे एक बच्चा आया. उसने कहा अंकल गोरे होने की क्रीम है? चाचा ने कहा हाँ बेटा है. बच्चे ने कहा तो लगाते क्यों नहीं? जो सुन रहे हैं वो भी शायद ऑफ कर देंगे. लेट्स सी इफ आकांक्षा हैज समथिंग एट. एक लड़की ने मुझसे कहा मेरी मॉम तुम्हें बहुत पसंद करती है. मैंने कहा धत पगली, शादी तो तुझी से करूंगा. आकांक्षा कुछ अर्जेंटली ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा, कोई मिला क्या? Oh, great. She's good to go. तो अगर आप एक रूल ब्रेक कर सकती हैं तो आप कौन सा रूल ब्रेक करना चाहेंगे? वैसे तो मैं सब रूल्स फॉलो करती हूँ पर अगर ऑप्शन हो तो मैं अपने टैक्स नहीं भरूंगी. If my parents set a curfew for me, maybe just step out at night and you know, hang out with friends. सबसे पहले तो मैं dry day हटाऊंगा. Aren't there enough rules broken already? तो अगर आप एक नियम तोड़ सके तो आप कौन सा नियम तोड़ना चाहेंगे? I would like to kill people there. Some people whom I don't like at all. तुम यंग जनरेशन आजकल लाइफ में सब कुछ ब्रेक करना चाहते हो. लाइफ कुछ तो फॉलो करो. स्टूपिड. आप कौन सा रूल ब्रेक करना चाहोगे? कोई भी रूल्स तोड़ना नहीं चाहते. मैं मंत्रालय में जाना चाहूंगा बगैर परमिशन कि गरीबी को कहीं बसाना चाहते हैं, वहां बसने नहीं देते और वहां से हटाते वहीं मैं बसना चाहूंगा घड़ी घड़ी और वो हटाया करे और मैं वहीं बैठूं. आई डोंट अंडरस्टैंड पब्लिक पे रोमांस क्यों नहीं कर सकते. मतलब सच्चा आशिक हूं तो अपनी फीलिंग तो दिखा सकता हूं ना. चली बिछड़ के ही रे, चली बिछड़ के ही रे, रांझे की याद आई. चली बिछड़ के ही रे, रांझे की याद आई. तन पटमल मोदी बीज बड़ा क्यों बेदर्दी भाई. तन जुलम गुजारे, तन जुलम गुजारे, तन. हाय रिया. हाय. लुक अजय, आई रियली वांट दिस स्टैंड अप कॉमेडी टू वर्क. आई मीन कंसेप्ट अच्छा है पर यू नो मेरा काम ठीक नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि वो तुम्हारा काम है ही नहीं. ये रीसाइकल जोक्स है एसएमएस वाले. आई मीन पॉइंटलेस से. जस्ट बी यूनिक. जो जो तुम्हें पता है, जिसकी तुम्हें समझ है वो यूज करो ना. जस्ट बी योरसेल्फ. बट आई एम अ बोरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो उसका मजाक उड़ा ना. फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है तुम्हारा. Just use that. Okay. I'll try. I know you can do it. Thanks, Riya. Chhad ke hi re, chali bichhad ke hi re, ranjhe ki yaad aayi. Tan pat mal mani abij bada kyun bedardi bhai. Tan julam gujare, tan julam gujare. क्या हो गया है बेटा? पापा का फोन आ रहा है. मैंने बिना बताए आ गई ना तो गुस्सा होंगे.
देखो बेटा, उनको वापस फोन करो और बोल दो तुम यहाँ ठीक हो, उनका टेंशन पहले दूर करो, ऑटोमेटिकली गुस्सा एक दो डिग्री नीचे आ जाएगा। क्या जाओ हेलो। मैं अमय साटे, मैं भी रूल तोड़ना चाहता हूँ। तो तोड़ो, मना कौन कर रहा है। अच्छा कौन सा रूल तोड़ना चाहते हो बेटा? मैं दारू पी के ड्राइव करना चाहता हूँ। वेळ लागला काय तुला? तुझे आई वडिलांचा फोन दे मला, ताबडतोब वाट लावतो तुझी। हॅलो सलोनी, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? कहाँ हो तुम? बिना कुछ बताए घर से बाहर कैसे रह सकती हो तुम? पापा मैं ठीक हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ऐसी हरकत करने से पहले सोचा भी नहीं? कितना घबरा गए थे हम लोग, अभी इसी वक्त घर आओ। पापा आई नीड मोर टाइम। सलोनी स्टॉप दिस नॉनसेंस एंड कम होम राइट नाउ। पापा प्लीज मेरी बात तो सुनिए, रिया को मेरी जरूरत है, मैं अभी उसे छोड़ के नहीं आ सकती हूँ। तुम हो कहाँ? पापा प्लीज मुझे थोड़े और वक्त की जरूरत है, मैं घर आके आपको सब समझा दूंगी। सलोनी आई एम वार्निंग यू, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, प्लीज ट्रस्ट मी। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, प्लीज बाय। हेलो सलोनी, हेलो। स्वतंत्रता दिवस से पूरा देश छुट्टी मना रहा है। तो अरे तो आप भी छुट्टी मनाओ ना। जूनियर दबंग, जरा चश्मा हटाओ ताकि हम लापड़ मारे तो तुम्हारे जो है प्रॉपर्टी डैमेज ना। जब मैं रेडियो पे घटिया जोक्स नहीं सुना रहा होता, मैं सीए का काम करता हूं। मेरे क्लाइंट ने मुझसे कहा चेक माय बैलेंस ना, मैंने उसे धक्का मार दिया। कहते हैं सीए इज नेवर डाई, वो बस जिंदगी में इंटरेस्ट लूज करते रहते हैं। का फोन आया था, बड़ा ही खुश था, कह रहा था पहली बार रेडियो पे कोई सीएस के बारे में बात कर रहा है। अच्छा? Even tweeted about it to his 36 followers. They all losers now. உட்டநாடன் துஞ்சையிலே திப்பை தகுதை தெய்தோம் புச்சு பெண்ணே குயிலாலே திட்டாதா தகுதைதை புட்டு வேணும் குயில் வேணும் रानी तोहर झूमे कन के बलिया जन कजरिया मारे ली, रानी तोहर झूमे कन के बलिया जन कजरिया मारे ली। पता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बर्थ कंट्रोल के लिए क्या यूज करते हैं? अपनी पर्सनैलिटी। हेलो, बंद करो। किससे मिल रहा है बेटा? चाचा जी हटाओ अपना भोंपू बाजा, बहुत हो गया नाचना गाना बजाना। अरे भाई साहब क्या प्रॉब्लम क्या है आपका? अरे प्रॉब्लम तो आप ही लोग हैं। कैसे? आज क्या है भाई? 15 अगस्त। हाँ स्वतंत्रता दिवस है, पूरा देश छुट्टी मना रहा। तो अरे तो आप भी छुट्टी मनाओ ना, हटो ना, बात कर रहे हैं बड़े। कौन हो आप
लोग हाँ क्या चाहिए? माता दी जय माता दी माते क्षमा। ए बेबी पहले तो अंदर जाओ, जरा तरीके के कपड़े अपने पहन कर आओ, हम ऐसे बात नहीं करते। चलो चलो बात नहीं कर सकते, कहो तो चुटकुला सुनाओ। जूनियर दबंग पहले तुम शांत हो जाओ, हैं? और जरा चश्मा हटाओ ताकि हम लापड़ मारे तो तुम्हारे जो है प्रॉपर्टी डैमेज ना। अब बंद करो ये। प्लीज, प्लीज यहाँ आपकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, हम पुलिस को बुला देंगे। देख रहे पुलिस को बुलाने की धमकी दे रही, तुम्हारी मती मारी गई है जो दुर्वे को पुलिस की धमकी दे रही हो है? अब तो मारना ही पड़ेगा, मारना ही पड़ेगा। रुक जाइए एक मिनट, मेरा नाम रिया है और आपका? भैया लाल दुर्वे। हाँ नाम बताओ। हाँ फूलचंद कहते हैं भाई। आप कहाँ से हैं? अरे कहीं से भी हो फर्क क्या पड़ना है, मतलब आप कौन से प्रांत से हैं, कौन से इलाके से आप? अरे हम कोरबा से हैं, छत्तीसगढ़ में। आपका परिवार भी वहीं होगा? हाँ वहीं है, उससे क्या। तो जिनका नाम ही भैया है उनकी बहन भी तो होगी? हाँ बहन है ना हमारी लाडली छोटी श्वेता। तो मैं भी तो आपके बहन के समान हूँ ना। देखिये मेरे पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट है और आज ये रेडियो स्टेशन चलाने के लिए हमारे सिवाय और कोई नहीं है। आपको जिस किसी ने भी भेजा मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ। अरे देखो हाथ मत जोड़िए, एक तो पहले भैया बोलते हो फिर हाथ जोड़ते हो। अरे फूलचंद समझो यार, गड़बड़ हो गई है। दीदी दीदी पहले पता होता तो हम ये काम अपने हाथ में लेते ही नहीं। सॉरी, बहुत सॉरी चाचा जी, सॉरी छोटे दबंग सॉरी। अरे अरे भैया जी सुन तो लीजिए, आप छत्तीसगढ़ से है ना? हाँ छत्तीसगढ़ से। तो अपनी बहनों के लिए काम करेंगे ना? दीदी शुरू करें। चलो भैया शुरू करो। हाँ चे रही बंजा राजा में उड़द छंगा, चे रही बंजा तचे रही बंजा राजा में उड़द छंगा, चे रही बंजा तचे रही बंजा राजा, चे रही बंजा तचे रही बंजा राजा, चे रही बंजा तचे रही बंजा राजा में उड़द छंगा, चे रही बंजा तचे रही बंजा राजा में उड़द छंगा, चे रही बंजा। नगर के भादो नगर पर मा के भादो नगर पुरमा, राजीनामा लिखा दे जबल पुरमा। तेचे रही बंजा तेचे रही बंजा राजा में उड़ा तेचा चंगा, चे रही बंजा। आमा के अम चुड़का दामा चटनी 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 है, आमा के अम चुड़का दामा चटनी, तोला गाड़ी बैठा के ले जाओ कटनी। तेचे रही बंजा तेचे रही बंजा राजा में ओला रचा चंगा, चे रही बंजा तेचे रही बंजा राजा में ओला रचा चंगा, चे रही बंजा। संजा की बेला कौआ तो करे काऊ, संजा की बेला कौआ तो करे काऊ, बिना बोले बताए चली गई गाँव। तेचे रही बंजा तेचे रही बंजा राजा में ओला रचा चंगा, चे रही बंजा तचे रही बंजा राजा में उड़द चंगा, चे रही बंजा तचे रही बंजा राजा में उड़द चंगा, चे रही बंजा। जी हेलो, मेरी बेटी सलोनी रिया की दोस्त है। आपके घर फोन किया तो पता चला, यहाँ कैसे हैं आप, आपके हस्बैंड? डॉक्टर्स कह रहे हैं अब सब कंट्रोल में है। अच्छा दैट्स गुड। वो सलोनी है क्या यहाँ? नहीं तो। अच्छा उसने कहा था वो रिया के साथ है तो मैंने समझा कि वो यहाँ होगी। एक्चुअली रिया भी यहाँ नहीं है इस वक्त। ओह रिया कहाँ है? पता नहीं, I tried calling her but I'll just find out. Hello? Beta, मैं रिया की मॉम बोल रही हूँ। आंटी आंटी। Would you know where रिया is? आंटी आप रेडियो ऑन कीजिए। क्या? और 97.5 सुनिए।
क्या आपके फोन में एफएम होगा? जी के मोमो यंगिन संभा चाओ चाओ। हमारे चावल में एक लड़का खाता है, उसको पूछ के देखता हूँ। अरे समीर बेटा आ जा। समीर यू आर नॉट वेलकम हियर, प्लीज यहाँ से चले जाओ। टी आई एम सॉरी, यू शुड नेवर बिहेव। इट्स टू लेट फॉर दिस। या मैं हेल्प करना चाहता हूँ। वी डोंट नीड योर हेल्प एनीमोर। अबे जब दीदी कह रही नहीं मिलना है नहीं मिलना है तो काहे का बन जीजा बन रहे बे? हाँ निकलते हो तो निकालने, बहुतों का निकाला है। अबे चल वहां, कहां देख रहा दीदा फाड़ फाड़ के चल। So if you could do something for your country, what would you like to do? मैं टॉयलेट्स बनाना चाहूंगा यार। इमरजेंसी के वक्त एम्बुलेंस टाइम पर नहीं मिलती, एटलीस्ट कुछ तो टाइम पर मिले। भैया आप देश के लिए क्या करना चाहोगे? आप अपने देश के लिए क्या करना चाहेंगे? मैं रोडीज बनना चाहता हूँ। So this kind of graffiti is considered as beautification and people are still not okay with it. Today is Independence Day. So at least today we should get to speak our mind freely wherever and whenever we want to. हम आपकी सेवा में रोज ड्यूटी करते हैं बिना हॉलीडे के। हाँ भाई दूज पे छुट्टी मिलती है और बाकी छुट्टियों में ये पार्टी करते हैं और हम सबको एक्स्ट्रा ड्यूटी करना पड़ती है। इतना रिकॉर्डिंग कराची परमिशन आए ना। I just want to say I'm not from China, I'm from Manipur and please stop calling us Chinky. That's it. मैं मुंबई में नया आया हूँ तो इधर सब क्या करते, सबको करके बुलाते हैं। अरे हम लोग कुत्ता है क्या? आदमी को कम से कम थोड़ा तो रिस्पेक्ट करो। आप देश के लिए क्या करना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा आइडिया ना, बाहर से आए हुए लोगों की कहानियां रिकॉर्ड करना। योर सिस्टर इज डूइंग अ ग्रेट जॉब मस्ट से, है ना? कम ऑन एडमिटेड। हां ओके आई गेस या। एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ? कोई बाबा टाइप आदमी आया है और कह रहा आज के उसका कोई इंटरव्यू स्केड्यूल था। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की कि प्रॉब्लम क्या है, मगर वो समझने को तैयार ही नहीं है और उसके सामने हमारी सिक्योरिटी फर्स्ट फेल है। तो एक काम करते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं ना। व्हाट व्हाई? जो साइकोलॉजी सलोनी ने हमें सिखाई है यूज करते हैं, उस ढोंगी को ऑन एंड एक्सपोज करते हैं, यू नो। आज हमारे साथ है श्री सेवाराम बापू। परम पूज्य प्लीज। सॉरी, परम पूज्य श्री सेवाराम बापू, वेलकम टू रियल एफएम। जीते रहो बेटी। बापू जी, ये जो इतने केसेस हो रहे हैं महिलाओं के अगेंस्ट, आपका क्या विचार है इसके बारे में? देखो ये बहुत बुरी बात है जी, और ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देखिए महिलाएं काफी इम्पोर्टेंट होती है, वी डोंट रियलाइज इट। वो खाना पकाती है, घर संभालती है, बच्चों को पालती है और कपड़े भी धोती है। तो आपका मतलब है कि महिलाएं सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए बनी है? प्रकृति का नियम है बेटी, एक महिला का कर्म है कि वो अपने पति के साथ रहे और गृहस्थी संभाले, व्हाट एल्स। तो उन्हें बस घर पे ऐसे ही बेकार बैठना चाहिए? नहीं बेकार क्यों, घर पे और इतने सारे काम है, वो कॉलिन हार्पिक वो करे। इंडिपेंडेंस डे के दिन आप हमारे लिसनर्स को कुछ कहना चाहेंगे? जरूर कहना चाहूंगा, देखिए हमारा देश महान है, इसी में रहो, इसी का पहनो, इसी का खाओ। ये पिज्जा और चॉपसी खाने से लोगों के मन के अंदर अश्लील विचार उभरने लगते हैं, ये वेस्टर्नाइजेशन की चाल है। सही कह रहे हैं आप, पर हमने सुना कि आप पिछले वीक थाईलैंड में थे ना छुट्टी पे। आपको कैसे पता? आपकी काफी इंटरेस्टिंग फोटोज देखी थी मैंने फेसबुक पे। तो आपने वहाँ पे क्या खाया, क्योंकि बाहर का तो आप? नहीं मैंने कुछ नहीं खाया, मैं तो यहाँ से बादाम काजू लेकर गया था। अच्छा, और कुछ मैसेज देना चाहेंगे आपके फॉलोअर्स को? हाँ जी बिल्कुल, हमें फेसबुक और ट्विटर से भी दूर रहना पड़ेगा क्योंकि इससे कल्चर भ्रष्ट होता है ना। बिल्कुल जी, आपको कैसे पता? औरत हूँ ना, घर पे बैठ के तो वैसे भी कोई काम नहीं है तो सोचती रहती हूँ। Excuse me. Yes. जी मैं पंजाब से सिंगर हूँ। Oh, okay, great.
तो इस गाने के बाद आप म्यूजिशियंस के साथ रिहर्स कर लीजिए एंड देन इन हाफ एन आवर यू आर ऑन या या माय नेम इज जवाहर माय फ्रेंड्स कॉल मी जो जवाहर इज नाइस हां वैसे बुरा तो नहीं है लेकिन बॉयज स्कूल में मजाक बनाने का स्कोप ज्यादा रहता है जवाहर भाटा हो गया जवाहर की रोटी जवाहरलाल वगैरह वैसे मैंने सुना अभी आप गा रही थी काफी अच्छी आवाज है आपकी यू शुड सिंग कभी कंसीडर नहीं किया और अगला गाना आपके लिए आंध्र प्रदेश नहीं नॉट रियली एक्सक्यूज मी ब्रह्म मुकुटे तंदनानाने तंदनाना पुरे तंदनाना फल तंदनाना ब्रह्म मुकटे पर ब्रह्म मुकटे पर ब्रह्म मुकटे पर Thank you. क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? इंडिपेंडेंस डे है जहाँ चाहे बैठ जाइए You are so funny. वैसे मैं मजाक नहीं कर रहा था जब मैंने कहा कि आप बहुत अच्छा गाती हैं I know. Then why don't you sing? क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिंदगी में हम जो भी चाहे मिल जाए ना True. बहुत डीप बात कर दी आपने जैसे मैंने एक गाना लिखा है पर इसकी कोई धुन नहीं बनी यू नो इनकम्प्लीट सी अरे क्या बात कर रही हैं तो आप बताइए शब्द बताइए हम अभी धुन में बदल देते लेट्स सी वैसे शायद इस वक्त आपकी जरूरत वहां है तेरी पहनती इश्क दिया कलिया तो बेगाना इश्क दिया गलिया तो बेगाना खुद से गैर था दुनिया से बैर था खुद से था दुनिया से बैर था आज मेरा ऐसा तेरे बगैर था हाल मेरा ऐसा तेरे बगैर था खुद से गैर था दुनिया से बैर था खुद से गैर था दुनिया से बैर था हाल मेरा ऐसा तेरे बगैर था हाल मेरा ऐसा तेरे बगैर था हे 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 आहा हा हे 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 आहा हा हो 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 आहा बना बस यही ख्वाब है तेरे लई दिल मेरमा बेहिसाब है जल्दी से तू हो जा मेरा होगा एहसान तेरा तेरे लई दिल मेरमा बेहिसाब है हे 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 आहा हा हा हो हो तुम लोग क्या कर रहे हो हमारे फेवरेट बॉस ने ओवरनाइट ही नई टीम एम्प्लॉय कर ली है
नहीं, बॉस को स्ट्रोक आया, वो हॉस्पिटल में। बट फिर भी किसी तरह से ब्रॉडकास्ट हो तो रहा है। रिया और उसके कुछ दोस्त चैनल बचाने की कोशिश कर रहे हैं। Then we'll have to stop them. Bro, you tried to stop them and you failed. अब अंदर जो भी चल रहा है उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। सर लगता है तुम्हारा तो है। Of course, रिया का मामला जो है। Ezra, don't man. Just get out of the way. मैंने अपने एक क्लाइंट से पूछा, जरा स्टेटमेंट देना। उसने कहा हाँ, यू आर अगली। नो दीदी, कहो तो इस अधूरी दाढ़ी वाले का जबड़ा तोड़ दूं। नहीं भैया जी, रहने दीजिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कल एक बुजुर्ग आदमी को अपने सेल्फिश रीजंस के लिए डिस्ट्रॉय करने की जो तुम्हारी कोशिश थी वो काफी नहीं था। क्या प्लान था आज का? रेडियो स्टेशन में तोड़फोड़ या तीन लड़कियों के साथ मारा मारी? What kind of a person are you, huh? Look, I don't need to take this shit from you, all right? In fact, हमारे काम से जो इतनी तकलीफ हो रही है तुम्हें, it's a good sign. मतलब we are doing well. Very well, दीदी, very well. तुम amateur लोग इस रेडियो स्टेशन को कभी नहीं बचा पाओगे। If you are so sure about that, हमें बंद करवाने क्यों आए हो? चले भैया, हमारे लोग तो चले हैं। तुम भी चलते बनो, वरना बगैर दीदी के परमिशन की थबड़ा तोड़ देंगे। अब का प्रॉब्लम क्या है मालूम है? इंटरनेट और WWF। टीवी कब आएगा? I want Sachin Tendulkar to become the president of our country so that all the people listen to him. सर मैं MP से आया हूँ, मेरा नाम धीरलाल साकेत है। मैं यहाँ खाने कमाने आया हूँ, किसी से झगड़ा करने नहीं आया, किसी से लड़ाई करने नहीं आया, किसी से दंगा करने नहीं आया, यहाँ अपना पेट पालने आया। आकांक्षा, ग्रेट स्टफ यार, अब थोड़ी और मदद कर दे प्लीज। हमें एक्चुअली कुछ कुछ स्टेट्स के सिंगर्स नहीं मिल रहे, तो मे बी यू हैव मोर लक आउटसाइड। MP वाली की कहानी सुन के हमें बहुत तकलीफ हुई। क्या है कि बंबई में हम जैसे ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग लोगों को बहुत तकलीफ होती है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। वैसे आप क्या करते हैं सर? मेरा DVD का धंधा है, पायरेटेड है ज्यादातर, हिंदी इंग्लिश। वैसे हमारा अडल्ट कलेक्शन बहुत अच्छा है, आप कहें तो कुछ भेज दूं। कॉन्टेस्ट में भी काम आ सकते हैं आपके। वो सलोनी कह रही थी कि एक पॉइंट पे तुम और रिया हाँ यार, बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ माय लाइफ ब्रो। I should have never let her go. Great girl, man. True. अब क्या कर सकते हैं? It's good कि तुम दोनों mature हो और move on कर रहे हो। अरे नहीं bro, मैं अभी भी रिया से, I think रिया भी chemistry है bro. But तुम तो बहुत sorted लगते हो यार। ये लव शव के चक्कर में तो नहीं पड़ते होगे ना? You're married, bro? Jokes. So I'm going to sing a Rajasthani song. It's a Ghumar song from Rajasthan. Ke mare ghumar chhelak jai re ma, ghumar ramwa rajosan. Jati maya laye pani, जति कसम खाए पानी, निष्ठुरीले बाटो लाग्दा आँखा गई तरे पनि। लुक्ने लोम नाथु रोग काठिन लुङा लुइयाङिन लुवाङ। जात गेलो बोले एकिया जो कार खाना। बाटी हमारी सतनिया हो, हरी जवानिया में
भले है बिरहनिया हो केनु शक्ति अडगी देयो निन्ना एसरली येनु मई में तुम भी देयो स्वामी निन्नली। मैं जब छोटा था तो बेंगे लड़कों ने मेरा माँ का मर्डर किया, अपा उन लोगों को बहुत मारा, लड़कों को पुलिस तो पकड़ के ले गई और साथ में अपा को भी ले गई, पुलिस मेरे को भी मारा, मैं उधर से भाग गया। पर राबिया बिंदस मेरा है, लाइसेंस भी है मेरे पास, इधर कार्टर रोड पे है ना पवार साहब, पुलिस से बचने के लिए मैं गांव से इधर भाग के आया, पर पुलिस इधर भी प्रॉब्लम करता है। मम्मा पूछ दी सुन दी है मेरी ये, अम्मा पूछ दी सुन दी है मेरी ये, तू बड़ी इतनी तू किया का वो था नागालैंड का गाना। मैं हूँ रिया और आप सुन रहे हैं रियल एफएम 97.5। जेजुरीचा खंडेराया जागरालाया, वाईचा तुगड़राया जागरालाया, वाईचा तुगड़राया जागरालाया। जिंदगी आके जिए खातिर ना चाहिए बंगला गाड़ी हो, दो दिल जहाँ मिल जाला सब पे पड़ेला भारी हो। निबली मुख मिला ही धाकी एबली मुख, शाफांका जिंगले ख्वाय डोखा शाबारा पानी, हवांगा पोइकेन माओला मरवेंगा फूसम रखी। दद दद उठा के जार उठा के जार, पकड़ लो जर मछरी। यार ये त्रिपुरा के गाने मिलना थोड़ा टफ है, तो मैं सोच रही हूँ YouTube पे जाके खुद सीख के गा लूं। बेटा आपको पता है SD बर्मन त्रिपुरा के प्रिंस थे। Really? उन्होंने त्रिपुरी में गाने गाए? गाए होंगे, पर वहाँ के काफी फोक सॉन्ग्स हिंदी में कन्वर्ट किए थे। आपको कोई ऐसा गाना आता है? प्यार में तुमने धोखा सीखा ये तो बताओ कैसे, प्यार में तुमने धोखा सीखा ये तो बताओ कैसे। अच्छा तो अगर आप अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं तो आप क्या करना चाहेंगे? We need to change हम a lot because we are running away from other countries of our कहाँ सर इंटरव्यू चल रहा है इंटरव्यू चल रहा है चल निको चल सर 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 प्रॉब्लम क्या है, क्या हुआ है? परमिशन आई कर ली सर, परमिशन की जरूरत ही नहीं है, बस इंटरव्यू ले रहे थे इनका। क्या परमिशन की जरूरत नहीं, किसने बोला? नहीं मतलब दिन भर से कर रहे हैं बस, रेडियो के लिए इंडिपेंडेंस डे के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं इनका, और कुछ कर नहीं रहे। हां अच्छा तो रेडियो पे पुलिस की क्या तुम बैंड बजा दोगे वहां पे? हां मतलब इंस्पेक्टर पावर नाम है मेरा। अच्छा तो आपको फिर नहीं लगता कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, लोगों से हफ्ता ले रहे हैं, तंग कर रहे हैं लोगों को? सिखाओ मत सिखाओ मत सिखो लोगो, चल चल दो ऐसे कैसे लेके जा सकते, चल चल चल। हेलो नताशा, बोले शंभर दिवस 500 वर गए, 100 दिवस दिवस काय होणार आहे, रेपुटेशन वर काय का नाही, हां बरोबर आहे ना पवार जी? चला रे चला बोले तुम्ही, तुम्हाला ठीक आहे? हां बोला जी। मेरी बहन आकांक्षा आपकी जीप में है। जादू से नहीं गई है, मैंने बिठाया उसको। क्यों? क्रिमिनल है ना वो। क्या क्राइम किया उसने? देखिए मैडम हर चीज के बारे में परमिशन होना बहुत जरूरी है जी।
जी। ऐसे हाथ में रिकॉर्डर लेके आप महिला मुक्ति आंदोलन तो नहीं कर सकती ना है? ये वो दोसे वाले के इंटरव्यू की वजह से है ना? वो भी साला क्रिमिनल है। दो क्रिमिनल मिलके पुलिस वाले की रिपुटेशन की पूरी। जी लेकिन अगर वो क्रिमिनल है तो पुलिस स्टेशन में जाके FIR लॉन्च करवाते, यहाँ अकेली लड़की को परेशान करने का क्या फायदा? देखिए मैडम, आप ऐसा वैसा कुछ मत बोलिए हैं। पर लेडी कांस्टेबल भी नहीं है ना सस्पेक्ट को सर्च करने के लिए? अभी तक मैंने सर्च नहीं किया है। लेकिन आप करने वाले थे थोड़ी देर में। नहीं, जैसा कि हमारा शक था, यहाँ ये समाज के रखवाले निहत्थी महिलाओं के साथ अकेले में बदतमीजी करते हैं। क्या क्या हो गया? इसीलिए ये स्टिंग ऑपरेशन करना जरूरी था। ये इंस्पेक्टर पवार केवल एक ही उदाहरण है इस गंदी हरकत की। नाइसली डन यार, ये जर्नलिस्ट वाला टैक्टिक मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। आई गेस आई एम लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट ना। हमने आपको कहा था कि हम आपको इंडिया के हर एक स्टेट से एक गाना सुनाएंगे। 27 स्टेट हो गए। आखिरी स्टेट इंडिया की सबसे नए स्टेट्स में से एक, उत्तराखंड, जिसे हम उत्तरांचल कहते थे, उसका गाना इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। वी डोंट हैव उत्तराखंड। मतलब आई थिंक नताशा को कोई दोस्त आने वाला था, बट नो साइंस यार, और अब तो वो भी कॉन्टेक्टेबल नहीं है। अब नो आइडिया। उत्तराखंड। फूलचंद जी, उत्तराखंड में क्या है? पहाड़ियां हैं बहुत सारी, जैसे नंदा देवी, नदियां भी हैं, गंगा है, यमुना है। छुट्टियां मनाने जा रहे हैं दोनों। मेरा मतलब था उत्तराखंड में कौन से शहर है? शहर बहुत सारे हैं, ऋषिकेश है, बद्रीनाथ है, नैनीताल है, देहरादून है, रानीखेत है, बहुत सारे हैं। देहरादून क्या? मोम कहाँ से है? I mean, इंडिया में कहाँ से है? देहरादून तुझे तो पता ही है, और वहाँ की भाषा तो हिंदी है ना? Great. Yeah, I don't understand. Let's go. इस कमर्शियल ब्रेक के बाद तुझे गाना पड़ेगा। What? Wow. Yes. No, no, I can't. You can. You must. सलोनी, we need you यार। और इससे अच्छा मौका तुझे कहाँ मिलेगा? Yeah, I'm not a singer. और वो तेरी गलती है, क्योंकि तेरी आवाज माइंड ब्लोइंग है, हम सब जानते हैं। जो तो एक ही मिनट में समझ गया था। नहीं जो, नहीं जी, अब मैं जवाहर ही हूँ। सलोनी, तू कब तक अपने ड्रीम्स और टैलेंट को ऐसे दबा के रखेगी? अगर जिंदगी भर तुझे डर के ही सच्चाई से भागना है तो ठीक है, मगर एक बार अपने आप के लिए, हम सब के लिए ट्राई तो करके देख यार। आंखों की सीढ़ियों में समेट लूं इन्हें, खो ना जाए कहीं ये पलकों को खोल दो, देखने को इन्हें झलक न जाए, लगता है डर।
coming through. बहुत अच्छा लगा ये गाना. बड़े सालों बाद इतना सुंदर गीत सुना. ये जो सिंगर थी उन्हें प्लीज हमारी तरफ से कांग्रेचुलेशंस कहिएगा. हम दुआ करते हैं कि ये बहुत नाम कमाए. जी हम आपका मैसेज पहुंचा देंगे. थैंक यू फॉर कॉलिंग. द फोन लाइंस हैव गॉन क्रेजी आफ्टर दैट लास्ट सॉन्ग. वी हैव वन मोर कॉल वेटिंग. सलोनी. पापा बहुत अच्छा गाया तुमने बेटे. आपने सुना? हाँ, और अपनी आंखों से देखा कि आज तक तुम्हें रोक कर मैं कितनी बड़ी भूल कर रहा था. पापा, I'm sorry, मैं बिना बदली आई. नहीं बेटा, I am sorry. अब से एक बेहतर बाप बनने की कोशिश करूंगा मैं. नहीं पापा, please don't say that. I'm proud of you. Very proud of you. Love you, Papa. I love you too. Guys, I'm sorry to ruin this moment, but broadcast के 3 घंटे अभी भी बाकी है. Oh, yes. चलो चलो. चलो जब आते हैं. जब मतलब पूरी रात गाते थे. चूड़ी पूरी रात. Hi. Which one of you is Riya? I'm Riya. I'm Rohini. मैं तुम्हारे भाई निखिल की दोस्त हूँ. I used to be an RJ. Wait, are you Rohini like RJ Rohini? I guess so. Yeah. Like Rohini जैसी कोई नहीं. I know, it's a really cheesy line. Cheesy? But... it's legendary. Ab to pure radio industry ke role model ho. I don't know about that, lekin haan, RJ wala face kafi interesting tha. Aur phir 2 saal pehle I got married and shifted to Singapore. Anyway, sorry, this is my husband Vikram. Hey. Hi. So Nikhil called and said that I could be of some help. To agar aitraz na ho, to kya main pichle 2 minute ki radio silence ko khatam kar di? Of course. Wow, thank you so much. Hello Mumbai, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त रोहिणी और वापस आ गई हूँ सिर्फ 97.5 रियल एफएम पर. मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे दोबारा मौका मिला है आप लोगों के साथ थोड़ी सी गपशप करने के लिए. तो इस फैंटास्टिक इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन प्रोग्रामिंग के रोहिणी ने मुझे बताया कि तुम लोगों ने आज क्या पुल ऑफ किया है. ग्रेट स्टफ गाइस, एंड दैट लास्ट सॉन्ग दैट वाज ब्यूटीफुल. I'm basically a marketing consultant. I work with brands like Sunsilk, and I'm pretty sure that उन्हें ये story और ये गाना बहुत पसंद आएगा. I'm pretty certain they'd want to associate with you guys. और maybe radio station के साथ भी कोई deal sort हो जाए. How does that sound? That sounds great. Awesome. Let's set it up. क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि रोहिणी जैसी कोई नहीं. Thank you.
छोटी छोटी खुशियों के लिए क्यों तरसे ये लम्हे, बड़ी बड़ी चोट खा के आए हैं सफर मीलों का तय करके, लगती है हर हंसी पानी के बुलबुलों सी आज उड़ उड़ कर उड़ जाती है, फलक से जब मिले थक कर कभी जब दो घड़ी रुक जाती हूँ पीछे कभी मुड़ कर यूँ ही देख लेती हूँ।